तो गाइस दिस इज एस्किंग एंड आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट बट सैंड ड्रॉप ओपी आइटम्स। अब जैसा कि तुम लोगों को पता होगा इस वाले मॉड में हम लोग को सैंड से ओपी आइटम्स लाइक नेदराइट का आर्मर, टोटेम ऑफ अनडाइंग, इलाइट्रा और भी बहुत सारी चीजें मिल सकते हैं। तो मैं इन चीजों को लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो एक काम करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे जल्दी से चैनल को लाइक कर दो एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। वेट नहीं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं एफपीपी में आ चुका हूं यहां पे एंड जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो मेरा वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा पूरा सैंड। जल्दी से चलते हैं सैंड लेने के लिए, बिकॉज सैंड से हम लोग को ओपी आइटम मिलने वाला है एंड मेरा एक फूड बार खत्म भी हो गया। एंड जल्दी से ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आ गया मैं, सामने की तरफ सैंड है। आई होप मेरे को सही सामान मिल जाए। पता नहीं अब क्या मिलने वाला नहीं मिलने वाला, बट चलो कोई नहीं, हाथ मारते हैं इस पे एंड देखते हैं क्या मिलता है। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या क्या मिला है। वेट अ सेकंड, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। अभी मेरे को एक एफिशिएंसी वाली हो मिली है डायमंड की। अभी नेदराइट की सर्वाइवल, भाई ये कुछ ज्यादा भी नहीं है एक्चुअली, अच्छा है। एंडरपल निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इलाइट्रा मिल चुका है हम लोग को भाई, यार ये सही चीज है। आई मीन ये सही नहीं कि कुछ ज्यादा प्यारी चीज है। देखा जाए तो इलाइट्रा कॉमन आइटम नहीं है, तो मिलना बहुत ज्यादा लकी चीज है। मतलब हम लोग को रॉकेट भी मिल सकता है। तो यार जल्दी माइन करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या क्या मिलता है। ओके गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे माइन किया एंड देखो ये देख रहे हो तुम लोग क्या मिला मेरे को, एंड पोर्टल फ्रेम। मतलब मेरे को नहीं लगा था कि एंड पोर्टल फ्रेम मिलेगा, बट मिल गया। तो चलो रख लेते, कोई नहीं, अपने नेदराइट का चेस्ट पेट एंड बाकी सब। तो जल्दी से चल के इनको उठाते हैं एंड आई डोंट थिंक अब मेरे को नेदर जाने का जरूरत पड़ने वाला। मैं बोल ही रहा था कि मेरा नेदर जाने का मन नहीं है एंड मेरे को अब नेदर जाने का जरूरत भी नहीं पड़ने वाला। तो चलो उठाते हैं इनको एंड लेट्स सी क्या होता है। सीरियस डेडिकेशन, नेदराइट की हो मिल गया भाई। यार ये नेदराइट की हो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ते, पता नहीं ऐसे इसका और मेरा कोई क्लोज रिलेशन है। अब ऐसा वाला रिलेशन नहीं, गलत मत समझना ठीक है ना, मैं तुम लोग की तरह नहीं हूं। बाकी यहाँ पे और क्या मिला, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल सही है, इसको फूड वाले बार में रख लेते हैं। आई मीन फिर स्लॉट में डाल देता हूं मैं। यहाँ पे ये हो नहीं चाहिए मेरे को भाई, ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ब्लास्ट प्रॉट है तो लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। आई मीन फिलहाल काम चलाने के लिए सही है। एंड यार मेरी इन्वेंटरी में कचरा भरना जरूरी रहता है क्या हर वीडियो में, मेरे को नहीं पता। ओके गाइस ये देख लो तुम लोग, डायमंड की एक्स में एक्स की क्या है भाई, इससे तो मैं अगर चाहूँ तो सबको मार सकता हूँ यार। मैं सिर्फ दुनिया कॉन्कर कर सकता हूँ भाई, कोई मेरे को कुछ बोलने भी नहीं आएगा, इतना ज्यादा पावरफुल। एंड चलो एक काम करते हैं, जल्दी से इन्वेंटरी खाली करता हूँ मैं, मिलता हूँ तुम लोग से अपनी इन्वेंटरी खाली करने के बाद। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने अपनी इन्वेंटरी खाली कर ली है एंड हाँ अभी मेरे को फिर से माइनिंग पे लग जाना चाहिए, बिकॉज यार अच्छा सामान चाहिए मेरे को यार। ओके माइनिंग करता हूँ मैं जल्दी से, अपनी सर्वाइवल कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है। पानी क्यों आ रहा है, पानी बंद करो, पानी कैसे बंद करो, मेरे पास ब्लॉक्स ही नहीं है। गरीबी हो तो ऐसी कि ब्लॉक्स भी ना हो तुम्हारे पास। यहाँ पे जल्दी से इसको माइन कर लेते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है। एंड भाई एफपीएस लो जा रहे, कुछ ज्यादा ही ओपी सामान नहीं ना हो गया है, एफपीएस 144 के आसपास जाता है ना। एंड डायमंड्स वाली एडवांसमेंट मिली, मतलब मेरे को डायमंड का सामान, आई मीन डायमंड मिल चुका है, नाइस, बट नहीं चाहिए मेरे को अभी फिलहाल के लिए डायमंड्स। और तो बाकी सारा कचरा ये, एक काम करता हूं नीचे चलता हूं जल्दी से, देखते हैं यार, देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा सामान है, क्या पता मेरे को कुछ और अच्छा ओपी चीज मिल जाए। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं पूरा का पूरा रेडी हो चुका हूं, जैसा कि तुम लोग को दिख रहा होगा मेरे पास पूरा का पूरा नेदराइट गियर तो आ चुका है। बट अभी तुम लोग को मैं एक और चीज दिखाता हूं, बट मेरे को यहां से थोड़ा दूर जाना, तो बिकॉज यहां पे एफपीएस लो आ रहे हैं। मैंने यहां पे इतना सारा सैंड माइन कर दिया था कि बवासीर हो गया था पूरा का पूरा एंड मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग को भी वो बवासीर झेलना पड़े। तो एक काम करता हूं मैं अभी इन्वेंटरी खोलता हूं एंड दिखाता हूं तुम लोग को कि मेरे पास कौन कौन सा एंड कैसा कैसा सामान है। तो देखो ये रहा पहले अपना पूरा का पूरा आर्मर नेदराइट का, जिसमें सारे के सारे एन्चेंटमेंट 255 लेवल पे, बिकॉज तुम्हारा भाई अमीर है, तुम्हारा भाई के पास इतना पैसा है कि तुम्हारा भाई अंबानी को भी खरीद सकता है। एंड यहाँ पे नेदराइट की चेस्ट प्लेट, अपनी नेदराइट की सोच, जिससे मैं अपने अंबानी को अपने अंबानी मेरे ला... ये रहा एक टोटल ऑफ अनडाइंग, बस इतना सामान काफी रहेगा आई गेस। बट मेरे पास क्रॉसबो भी तो है, उसके लिए मेरे को एरो चाहिए होगा जो कि मेरे पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले तो एरो लेते हैं किसी स्केलेटन को मार करके, मेरे को स्केलेटन अभी ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ पे होगा कहाँ नहीं होगा, बट चलो ढूंढते हैं स्केलेटन, ज्यादा दूर नहीं होगा आई गेस। वो रहा एक स्केलेटन दिख गया, यही अपना बलि का बकरा बनेगा आज, बेचारा स्केलेटन अभी जाने वाला है। सो इसको यहाँ पे बुलाता, भाई 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 इधर 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 चलो, तू आएगा, तू बनना चाहता है बलि का बकरा, आ जा। हां पर मुझे क्यों तोड़ा, आ जा यार, मैंने क्या बोला था तुम लोग को, देख रहे मेरे को कुछ करना अभी नहीं पड़ा भाई, तू मत मार मेरे को, तू मत मार, तेरा एरो नहीं लगना चाहिए मेरे को, मैं बता रहा मेरे सोर्ड का डैमेज बहुत ज्यादा है भाई, कितनी दूर से लगे बंदा, इमोशनल डैमेज हो गया उसके साथ। इमोशनल डैमेज, यहाँ पे काम हो चुका है मेरे को, इन सभी चीजों को फेंकना है भाई। काम करता हूँ मैं जल्दी से, यहीं के आसपास में पोर्टल बनाते हैं एंड देन चलते हैं हम लोग एंड में, वहाँ बनाते हैं वो अच्छा लगा। वेट इसको मारते पहले, ठीक है हो गया, चलो कोई नहीं। ओ भाई साहब कितना कचरा है इन्वेंटरी में, यहाँ पे पानी था, मैंने पानी भी बंद कर दिया। तो हाँ भाई पानी ब्लॉक करने में एक्सपर्ट है, जो भी हो सबका पानी एंड रास्ता ब्लॉक कर देता है, तो तुम्हारे भाई को सब ब्लॉक कर देते बेफालतू में, पूछा किसी ने, चलो कोई नहीं। यहाँ पे मैं अभी इन दोनों को निकालते, बिकॉज अभी मेरे को पोर्टल बनाना ऑफिस से बात है। आगे एक दो तीन हो गया, अभी मेरे को सिंपली इसको फेंकना है एंड ये जो आई ऑफ एंडर है इनको लगाना है ऐसे करके।
तो गाइस अभी अपना पोर्टल रेडी हो चुका है एंड मैं एंड में जाने के लिए रेडी तो हो गया हूँ, बट हम लोग को एक रिचुअल करना होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिचुअल क्या है कि हम लोग को गोल्डन एप्पल खाना होगा। ये एक खा लिया मैंने एंड एक और खा लेते, क्या पता लक भर जाए अपना। बाकी चलो हो गया सब कुछ एंड ना अभी मेरे को फिर से FPP में जाना है और पोर्टल लाइट अप हो चुका है, तो चलते हैं 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। ऑलराइट गाइस मैं आ चुका हूँ एंड में एंड मैं नहीं बोल रहा, मैं पिछले वाली वीडियो में बोला था इस बार, मैं नहीं बोल रहा भाई। बाकी काम करता हूँ मैं बोल। ऑलराइट गाइस तो अभी मैं फिर से गेम के अंदर आ चुका हूँ बिकॉज मैं गेम लिटरली 3 बार क्रैश हुआ, वो भी उस क्रॉसबो की वजह से जो मेरी इन्वेंट्री में थी। मतलब उतना ज्यादा ओपी था कि मेरा पीसी भी नहीं झेल पाया उस क्रॉसबो को। मतलब समझ लो यार, मेरे को अब संभल करके रहना होगा थोड़ा, बिकॉज यार मेरे पास अभी कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस वेपन नहीं है एंड मैं मर सकता हूँ इसके वजह से। तो चलते हैं यार जल्दी से एंडर ड्रैगन को मारने। ओ भाई ऊपर चल रहे, ऊपर चल रहे। हाँ गाइस एक बात तो ना भूल गया, मैं अभी मेरे पास लॉन्ग रेंज वेपन नहीं, तो मेरे को रिस्क कम लेना है बिकॉज यार देखो यहाँ पे मैं अगर इसको फोड़ने जाऊंगा तो मेरे को डैमेज पड़ेगा आई एम प्रीटी श्योर। तो यार देखते हैं, मैं एक बार चेस्ट प्लेट डाल लेता हूँ अपना बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ मैं मरूँ। यहाँ पे इसको कर देते हैं ऐसे। ओके गाइस तो अभी मैंने सारे के सारे क्रिस्टल स्टोर दिया एंड तुम लोग यकीन नहीं करोगे एंडर ड्रैगन लिटरली में अभी मरने वाला है। सीरियसली मेरे आर्मर से उसने डैमेज लिया वो भी 3 बार और भाई उसकी हेल्थ देखो तुम लोग लिटरली 1 HP पे घूम रहा है अभी। देखो वो नीचे भी नहीं आना चाहेगा, मैं इतना गारंटी देके बोल रहा हूं वो नीचे नहीं आएगा। एंड अगर ये नीचे आया तो ये होगा एक नंबर का बेवकूफ, गवार, नालायक, बेरोजगार, छपरी, एंडर ड्रैगन जिसको कुछ नहीं आता। भाई आजा आजा आजा, देख मैं तेरे को छोड़ दिया, तू चुपचाप से नीचे आ जा वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है मैं ऊपर आ गया तो तेरा खत्म। अब मैं नहीं चाहता मैं तेरे को ऊपर जाकर के मारूं, तो तू चुपचाप से नीचे आ जा नहीं तो फिर हो जाएगा तेरे साथ गलत वाला सीन एंड फिर तेरे बीवी वाले बच्चे सब तेरे को छोड़ करके भाग जाएंगे। वैसे तो कोई है भी नहीं बट फिर और कोई नहीं बचेगा। बाकी यहाँ से एक टॉर्च लेनी है मेरे को, आ जा टॉर्च। एंड गाइस व्हाट द हेल, भाई क्या है ये, क्यों आया हो यार? नहीं एंड 3 हो चुका है, मैंने गेम क्लियर कर दिया बट यार क्या, नहीं यार क्यों आया भाई तू, मैं लिटरली लास्ट एपिसोड से करने वाला था बट यार ये एंडर ड्रैगन आ करके मैं पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट चलो हम लोगों ने अनइंटेंशनली जैसे तैसे करके गेम क्लियर कर दिया। अब हाँ उसका जो अंडा है जो ड्रैगन है वो लेना जरूरी है तो वो लेते हैं लेकर के ओवरऑल चलते हैं। ओके गाइस तो अभी मेरे को ड्रैगन मिल चुका है, हाँ हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन वाली एडवांसमेंट भी मिल गई जो कि बहुत ज्यादा प्यारी चीज है। बट अभी मेरे को ओवरऑल बिकॉज आउटर भी करना, तो जल्दी चलते ओवर वर्ल्ड में। ऑलराइट गाइस अभी मैं उसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ था एंड हम लोगों ने गेम को ज्यादा जल्दी क्लियर कर दिया। सो इसके लिए तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। मेरे को कमेंट्स में बताना कि मेरे को नेक्स्ट क्या करना चाहिए बिकॉज मेरे को कोई आइडिया नहीं।